राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके साथ अब दावों का सिलसिला भी तेज हो गया है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही क्लीन स्वीप की बात कर रही है, लेकिन 23 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि किसके दावों में कितना दम है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव से पहले जीत का दावा करते दिखे दिग्गज। हम सातों के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी सातों सीटें जीतने का दावा। तेईस नवंबर को होगी तस्वीर साफ। जब भी चुनाव आते हैं, सियासतदान बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, और ऐसा होना लाजमी भी है। अब राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। ऐसे में पार्टी नेताओं से लेकर डिप्टी सीएम तक सभी बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। शुरू में तारीखों का ऐलान हो गया और भारतीय जनता पार्टी और हमारा पूरा संगठन मिलकर और पूरी तैयारी में है। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की हमारे जो संगठन है पूरा मजबूती से साथ है और हमारे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो भी निर्णय करेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम सारे मिलकर हम 7 सीटें जीतेंगे। 7 सीटों में से 1 सीट हमारे पास थी जनरल इलेक्शन, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। अब इन 10 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का काम राजस्थान में किया है, युवाओं के हितों का संरक्षण करने का काम किया है, पेपर लीक माफिया को जेल में पहुंचाने का काम किया है, हम सातों के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उपचुनाव पर जीत के सवाल को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी लंबे वक्त से चुनाव के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। किस तरह के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे? जन सेवक मिलेंगे आपको, सारे जन सेवक मिलेंगे जो जनता की सेवा कर सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो मतलब 7 सीटें वही जीतेंगे कांग्रेस। वो मतलब सपने देखने में क्या दिक्कत है, वो सपने देखे, हम तो हकीकत पे चल रहे हैं। और कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने चुनौती क्या है, हम तो सभी सीटें जीतने वाले हैं। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी को उपचुनाव में 0 सीट मिलेगी, क्योंकि जनता का मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी, और वो इसलिए मिलेंगी कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर राजस्थान में जनता ने बनाई थी, तो मैं समझता हूँ कि ये यूटर्न सरकार बन चुकी है, इसलिए जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जनता के वेलफेयर के लिए इन्होंने गर्मियों में न पानी की व्यवस्था की लोगों के लिए, न बिजली की व्यवस्था कर पाए। मैं समझता हूँ कि उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाएगी। हालांकि उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट और गठबंधन के सवाल पर आलाकमान के जरिए फैसला करने की बात कही है। जो आलाकमान वहां से उम्मीदवार देगा, वो उम्मीदवार हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके चुनाव जीतेगा। अलायंस के लिए हमारा केवल लोकसभा में इंडिया गठबंधन में आरएलपी की सीट हमने दी थी। नागौर में हनुमान बेनीवाल जी जीते थे, एमपी है हमारे इंडिया गठबंधन के। अब विधानसभा उपचुनाव में समझौता होना नहीं होना या और किसी के साथ होना नहीं होना, ये सब पार्टी हाईकमान तय करता है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलुम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में उससे पहले दांव और वादों का दौर चलना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।